नमस्ते, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी और इस वीडियो स्ट्रीम पर हमारा साथ दे रहे हैं गोविंद ठाकुर। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं हॉट सीट, ये मानी जाती है पछाड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजगढ़ में इस वक्त हम है। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये हॉट सीट इसलिए मानी जा रही है क्योंकि पछाड़ विधानसभा क्षेत्र में जो है इस बार बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से एक नहीं बल्कि छह प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें, यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी भी है, यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी भी है, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी है, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रत्याशी भी है और दो आजाद प्रत्याशी भी है। आइए, इस वक्त हम खड़े हैं राजगढ़ के न्यू बस स्टैंड के पास। लोगों से जानते हैं कि उनकी राय में इस बार कौन सी सरकार आने वाली है। एक अंकल जी मेरे साथ है। अंकल जी, आपका लाइफ टाइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताएं पहले। मेरा नाम रमेश धीमान है जी। और मैं पर्ची पहले उसका करता था कि नाम आपका रेणुका में हमारे विधायक थे जी, विनय कुमार जी जी। पर इस टाइम मैं तो नहीं, कहीं भी नहीं। आपके हिसाब से इस बार कौन सी सरकार बनने जा रही है हिमाचल प्रदेश में? बिल्कुल है, मैं इस टाइम वोट देना चाहूंगा। इस टाइम जो है मैं नितिन सिंह को बनाऊंगा नीचे, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी से। क्यों बीजेपी रिवाज बदलेगी? हमारे लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, दिया गैस सिलेंडर दिए जी, पैसे ठोकरे के 2000 रुपए ठोकरा मोदी हमारे को, तो क्या हम भूल जाएंगे उनको? इसका मतलब आपने साफ किए कह दिया है कि जयराम ठाकुर साहब ने काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके। बीजेपी को आपका वोट जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जाएंगे, एक वोट ही जाए, पर मेरे तो वोट में तोड़ दूंगा, 1000 वोट में तोड़ दूंगा। आपके हिसाब से बीजेपी कितनी सीटें ले रही है हिमाचल प्रदेश में? आप देख ले, 40-50 कितनी? आप सीधा कह रहे, आपने कितनी बनेगी? आप कम से कम 60 से ऊपर भी निकल जाएंगे आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और अंकल जी मेरे साथ जुड़ा है। अंकल जी, पहले तो आपका लाइफ टाइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं। आप कहाँ से? पछास विधानसभा क्षेत्र में ही है। इस बार आपके हिसाब से किस पार्टी की सरकार बन रही है? अगर हम पछाड़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये हॉट सीट बन गई है अपने आप में, क्योंकि इस बार जो है पछाड़ विधानसभा क्षेत्र से एक नहीं बल्कि 6 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी और दो प्रत्याशी आजाद है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कांग्रेस की। यहाँ से कांग्रेस के बहुत बार विधायक रहे शंकुराम मुसाफिर साहब को इस बार टिकट नहीं मिला, वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, किसी को रोका नहीं जाता, अधिकार सबको लड़ने के करने का है जी, रोका किसी को नहीं जाता। क्या कहनी बात, क्या कहनी बात हो चुके हैं कि सब छोड़ लोगों को क्या है जी, एक दो आदमी सबको भी कार्य सबको भी काम करना पड़ता है जी। लोग ये भी समझे कि सत्ता में जो सरकार बीजेपी की है, अभी इन्होंने हमारा हट्टी वाला जो काम, सबसे बड़ा काम जो किया है, इसकी सराहना नहीं हम करेंगे, फिर करेंगे तो होने को तो खड़े तो सब हो सकते हैं ना, लेकिन कोई भी मुद्दा भी तो है, आप लोगों का क्या है जी? आपको 70 साल जो जिताया हमने, 70 साल तक आप बताओ कि आपने इस तरह के काम कोई भी अगर किए हैं तो हमारे को तो बताओ। मतलब आप क्या करेंगे? मतलब है कि मुसाफिर साहब ने राजगढ़ क्षेत्र में और पछाड़ विधानसभा क्षेत्र में काम ही नहीं किया? नहीं, जो काम किए हम वो नहीं कहते, उसने भी अपने समय में काम किए, हम उसकी भी सराहना करते हैं, वोट भी दिए, लेकिन अब ठेकेदारी तो है जी, उसको सबको चांस दो, सबको मौका दो, सबको हम प्रणाम के लिए सरकार काम कर रही है, सबकी बात को सुन रही है, तो इस बार जो है सरकार के साथ बीजेपी के साथ है। बार बार बड़े बड़े मंचों से कह रही है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बार बार कह रहे हैं कि हम जो है रिवाज बदल देंगे, क्या पछाड़ विधानसभा क्षेत्र में भी रिवाज बदल रहा है? बहुत कुछ, बहुत मैंने बदल रखा है, समझ रहा है, बहुत कुछ बदल जा रहा है, मानते हैं जिस स्वामी भी मानते हैं हर तरह से, हर चीज होती है। आप देखो कि बुढ़ापे की पेंशन जो है वो 25 साल में लगाते थे कांग्रेस सरकार, अपने आप की पेंशन लग रही है, 60 साल से पेंशन लग रही है, 20 साल से पेंशन लग रही है, बिल्कुल
और स्कूल में बच्चों के लिए सारी वर्दी से लेकर के जो है कॉपी से सब कुछ मिल रहा है, राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, फ्री का राशन मिल रहा है, सारी हो रही है। कुल मिला के आपके सामने बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है, आएगी जो आके रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और सर मेरे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि आगे अनिल जी आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके हिसाब से हिमाचल प्रदेश में कौन सी सरकार आ रही है, क्योंकि रेणुका में भी कंपटीशन टफ है, तकड़ा तकड़ा है, मामा बन देता है, मामा बन रहे हैं। जो हमारा कार्य हुआ है जी, सबसे बड़ा कार्य हुआ है जी, बच्चे के लिए बढ़िया, हाटी वाला हुआ जो हमारा है। तो आपका वोट कुल मिला के बीजेपी को जा रहा है, बीजेपी को जा रहा है जी, क्योंकि विकास हमारा बीजेपी ने किया जी, कल्याण बात है जी, क्योंकि कांग्रेस हमारे कई हुए हैं जी, और हम जब आपस में बात करते हैं ना जी, देखा जो कार्य हुए हमारे ना जी, बीजेपी सरकार ने किए जी, इसका मतलब रिवाज बदल रहा है, रिवाज बदलेंगे जी, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और लोग ये बार बार कह रहे हैं कि रिवाज है वो इस वक्त बदल रहा है। इस वक्त हमें राजगढ़ बस स्टैंड के पास एक और सर मेरे साथ है, सर आप अपना नाम बताएं, राजगढ़ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जबका जी आप कहाँ के रहने वाले हैं, पछाड़ में आपका वोट आता है, पछाड़ में इस बार कंपटीशन बहुत टफ है, 6 प्रत्याशी मैदान में है, आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जो है इस बार सत्ता में आ रही है, बीजेपी आ रही, बीजेपी क्यों आए, रीना कश्यप ने काम किए, क्या क्या आपको लगता है कि जब से रीना कश्यप विधायक बनी है तो पछाड़ विधानसभा क्षेत्र में कार्य हुए, बहुत काम हुआ है, तो जो बीजेपी बार बार कह रही है रिवाज बदल रहा है, यहाँ भी रिवाज बदल रहा है, चलिए कोई संदेश आपका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया था। आगे बढ़ना चाहेंगे एक यूथ, यंग यूथ कहते हैं कि हमारे देश का भविष्य है, सबसे पहले आपका लाइव टाइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है, नाम बताया था, कंवर जी आप कहाँ के रहने वाले हैं, कुपवी के रहने वाले हैं, तो आपके हिसाब से जो बीजेपी की सरकार थी क्या उन्होंने काम किया पिछले 5 सालों में, नहीं किया, एज ए यूथ आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी सरकार जो है सत्ता में आ रही है, क्योंकि बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, हिमाचल में तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ही आएगी जी, और हम उम्मीद करते हैं, हम बाकी लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस को वोट जी, कांग्रेस ने अपनी गारंटी योजना 10 गारंटियां दी है, उन्होंने कहा है कि जैसे ही वो लोग सत्ता में आएंगे तो पहली कैबिनेट में जो है वो युवाओं को रोजगार देंगे, तो ये आपको कहाँ तक लगता है कि ये बात सच होगी, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सच होगी ये बात जी, ये बात जो भी इन्होंने बोला है वो सारा सच, क्या कहना चाहेंगे जो अभी आपको हमारे दर्शक देख रहे हैं, एज ए यूथ हिमाचल प्रदेश में क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, हिमाचल में तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन जो भी हिमाचल डेवलपमेंट हुआ है वो कांग्रेस की जी, बीजेपी आई, बीजेपी ने कुछ भी नहीं करा, युवा कांग्रेस ने युवा जो लोग हैं उनको बिल्कुल डाउन कर दिया है जी, कोई जॉब नहीं, कोई सब लोग घूम रहे हैं जी, आप भी जानते हैं ये बात जी, मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस को वोट दें जी, बहुत बहुत शुक्रिया था, आगे आपको और भी लोगों से मिलवाना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी लोगों से बात की है पछाड़ विधानसभा क्षेत्र में जो है इस बार बहुत तगड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां से जो है मैदान में एक नहीं, पहले तो कांग्रेस और बीजेपी के मेन प्रत्याशी होते थे, लेकिन इस बार जो है मैदान में 6 प्रत्याशी है। अगर हम बात करें पूर्व में कांग्रेस के बड़े नेता गंगूराम मुसाफिर साहब की, तो वो यहां से उन्हें जो है इस बार कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिला, उन्होंने जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भरा है, इस बार क्या आजाद के तौर पर गंगूराम मुसाफिर जी जीत पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्या जीत कांग्रेस की होगी या जीत भाजपा की होगी, या फिर आम आदमी पार्टी भी हिमाचल में अपनी दस्तक दे चुकी है, और उसी के साथ राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रत्याशी भी यहां पर चुनाव मैदान में है। आगे जाना चाहेंगे, सर जी आपका नाम क्या है, संजय कुमार जी आपका वोट कहां पर आता है, पछाड़ विधानसभा क्षेत्र में आता है, आपके हिसाब से पछाड़ विधानसभा क्षेत्र में जब से रीना कश्यप जी विधायक बनी है कार्य हुआ है, नहीं हुआ सर, कोई कार्य नहीं हुआ, आपके हिसाब से इस बार कौन चुनाव जीत रहा है, आइडिया जीत रही है, आपको दयाल प्यारी जी में क्या अच्छा लगता है कि वो अगर विधायक बनती है तो क्या क्या कार्य जो है पछाड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए करेंगे जी, जी गंगूराम मुसाफिर जी आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे,
समर्थन देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे एक आंटी जी भी है, इनसे भी हम, क्योंकि नारी शक्ति है ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत सम्मान की बात है। मैडम आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले। आपका वोट पछाड़ विधानसभा क्षेत्र में आता है, रेणुका में आता है। क्या लगता है हिमाचल प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? फिर भी आपके हिसाब से, अच्छा यहाँ पे गंगूराम मुसाफिर आपके हिसाब से जीत रहे हैं, और आपके रेणुका में विनेश जी, तो मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया था आपका। आगे एक अंकल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका लाइफ टाइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। धर्मपाल जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपका जो वोट है वो रेणुका कॉन्स्टिट्यूएंसी में छाया जाता है। आपको क्या लगता है हिमाचल प्रदेश में बीजेपी बार बार बड़े मंचों से कह रही है कि हम जो है रिवाज बदल देंगे, कांग्रेस भी सत्ता में आने का दावा कर रही है, उधर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी कह रही है, किसकी सरकार आपके हिसाब से बनने जा रही है हिमाचल प्रदेश में? तो आपके मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार यहाँ से नहीं बनेगी, असली जो वोट वोटर है वो गाँव में है जी, और वहाँ से जाना जरूरी है। यहाँ से तो हर व्यक्ति जहाँ जिसकी पार्टी से जुड़ा, मैं जिस पार्टी से जुड़ा मैं वही बोलूंगी उसकी सरकार बन रही है जी। परंतु लोगों के मन का किसी को भी पता नहीं है जी। लोग जागरूक आज का मतदाता इतना हो गया कि किसी को भी भनक नहीं दे रहा कि वोट कहाँ देना है जी। आप पछाड़ में भी आते रहते हैं क्योंकि ये बाउंड्री है। अगर हम बात करें रेणुका कॉन्स्टिट्यूएंसी की, अगर हम बात करें पछाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी की, आपके हिसाब से यहाँ पर पछाड़ में इस बार जो है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, छह उम्मीदवार है, क्या लगता है आपको कौन बाजी मारेगा? बीजेपी से रीना कश्यप जी आएंगी, कांग्रेस से दयाल प्यारी जी आएंगी, आजाद तौर पर अपने गंगूराम मुसाफिर जी आएंगे, या फिर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी से और आएगा, क्या लगता है आपको? अब मेरी राज तो अगर मैं अपना मेरा मानना है जी, इस बात तो है रीना कश्यप जी आएगी जी, और रेणुका से नारायण क्या हुआ? ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इस करके लगता है, बाकी तो लोगों के मन का पता नहीं लगता जी। एक हाटी जो हुआ है बहुत बड़ा काम हुआ है जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, तो इसका अगर कहीं ना कहीं अगर असर दिखा जी, तो इस करके जो है दोनों सीटें जो, मतलब हाटी जो हुआ है उसमें रेणुका कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता भी और कुछ पछाड़ की भी वो टोटली बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, आपके कहने का ये तात्पर्य है। आपके अगर हम रेणुका कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो वहां भी जो है फैमिली की लड़ाई है, कौन जीत रहा है, विनय जी या फिर नारायण सिंह जी? नारायण जी। बीजेपी बार बार कह रही है विवाद बदल देंगे, होगा ऐसा? बिल्कुल जी, एकदम पक्का देखना। चलिए दर्शकों को जाते जाते कोई मैसेज? मैसेज यही कि आने वाले 12 तारीख को देखना जो है भगवाई लहराएगा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया था हमसे बात करने के लिए। सो कुल मिला के अभी तक हमने जितने भी लोगों से यहाँ पर बात की, कोई कह रहा है कि जब से हाटी हुआ है हम जो है रीना कश्यप जी को वोट देंगे, कोई कह रहा है कि लोगों को पता नहीं है क्या होगा। एक बार इधर भी जो सर जी आपका नाम क्या है, एक बार जोर से बोलेंगे? आकाश शर्मा। आकाश जी आप कितने सालों से यहाँ पर दुकान कर रहे हैं? 12-13 साल। एज ए बिजनेसमैन आपको क्या लगता है कि किसने अच्छा काम किया, कांग्रेस पार्टी ने अच्छा काम किया, बीजेपी ने अच्छा काम किया व्यापारियों के लिए? व्यापारी तो वहीं का वहीं जी। आपको क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार आएगी? कुछ नहीं कह सकते। जैसे बीजेपी रिपीट करेगी। अगर हम पछाड़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 6-6 उम्मीदवार मार्केट में है, क्या लगता है आपको कौन, रीना कश्यप जी जीत रही है या दयाल प्यारी जी? नहीं, रीना जी। ऐसा क्यों? काम किए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया था हमसे बात करने के लिए। सो ये बिजनेसमैन है, यहाँ पर शॉप चलाते हैं, इनका भी ये कहना है कि इनके हिसाब से भी रीना जी जीत रही है। एक और सर मेरे साथ है, सर आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार जी। आपका वोट कहाँ पर आता है, पछाड़ में या रेणुका में? रेणुका में। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी हिमाचल में सरकार बना रही है? बीजेपी बनाएगी, कांग्रेस? और आपकी रेणुका में कौन जीत रहा है? नारायण सिंह जी। तो इधर रेणुका वाले भी हमें मिल रहे हैं, इधर हमें क्या बोलते पछाड़ वाले भी मिल रहे हैं। कुल मिला के इस बार जो है कॉम्पिटिशन थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, और भी जनता से हम जानने की कोशिश हमारी रहेगी। एक बार अंदर चलते हैं होटल में। सर आपका लाइफ टाइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। मेरा तो आपका शुभ नाम
इंदर सिंह। इंदर सिंह जी आपका वोट कहाँ पर आता है, पछाड़ में आता है? मेरा वोट तो चौपाल में आता है। आप शिमला से? डिस्ट्रिक्ट शिमला से। आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार का तो जैसा नहीं है, लोगों का बस ये है जी, ऐसे लोग बदलाव चाहते हैं जी। बदलाव हमारा एक पहले से लेकर है जी कि हमारे हिमाचल में हर पाँच साल के बाद बदलाव आता है जी। राज्य में भी बदलाव, तो इस बार भी बदलाव आएगा, यही मान के चल रहे थे। अच्छा, आप राजगढ़ के न्यू बस स्टैंड के पास आपका होटल है, आपको क्या लगता है कि राजगढ़ में कौन प्रत्याशी इस बार बाजी मारेगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम मार्केट में है? नाम तो है जी, आप बाकी क्या पूछ सकते हैं? गंगूराम मुसाफिर जी आएंगे, रीना कश्यप जी आएंगी, या फिर दयाल प्यारी जी आएंगी, या फिर आजाद से कैंडिडेट है, क्या कह सकते हैं जी अब लोगों का अपना। फिर भी आपको क्या लगता है लोगों की बातें इधर उधर सुन के? लोगों का ऐसे ही है, लोगों का थोड़ा 50-50 में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ बैठे हैं, इनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे इनसे कि सर, चलिए सबसे पहले आपका नाम क्या है? सर रमेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? राजगढ़। तो इस बार राजगढ़ में कंपटीशन बहुत टफ है, आपको क्या लगता है कि इस बार? पहले तो हिमाचल प्रदेश में आना चाहूंगा, कौन सी सरकार बनने जा रही है आपके हिसाब से? बीजेपी की सरकार। बीजेपी, अगर मैं पछाड़ विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो टफ कंपटीशन है, कौन जीत रहा है? इतना टफ भी नहीं है, रीना कश्यप जीत रही है। कितने वोटों से वो जीतेंगी? कम से कम 3,500। आपको लगता है जो कांग्रेस में भीतर घात चल रहा है उसका फायदा रीना कश्यप जी को मिलता हुआ नजर आपको लगता है? रीना कश्यप जी को लगता है जी। कितने वोटों से विजयी हो सकती है, आइडिया कुछ? होगी 2,500-3,000। हाँ वही रही है आपके हिसाब से? विधायक रीना कश्यप जी ने काम किया खूब काम किया। कुछ काम गिनाना चाहेंगे आप जो नए काम राजगढ़ में हुए? नए काम बहुत हुए राजगढ़ में जी। फिर भी सर कुछ याद हो आपको पछाड़ विधानसभा क्षेत्र में? जैसे रोड के काम है, कॉलेज है जी कई जगह में, और स्कूल है कई जगह में जी, बहुत सारे काम किए। आपके हिसाब से बीजेपी रिवाज बदल रही है? बीजेपी रिवाज बदल रही है, बदलेगी, जय श्री राम। बहुत बढ़िया जी, शुक्रिया था हमसे बात करने के लिए। सो ये बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, कोई कह रहा है कि जो बीजेपी बार बार बड़े बड़े मंचों से ये कह रही है कि हम जो है रिवाज बदल देंगे, और यहाँ पर भी अगर हम बात करें पछाड़ विधानसभा क्षेत्र की तो कोई कह रहा है कि रीना कश्यप जी आ रही है, कोई दयाल प्यारी जी को सपोर्ट कर रहा है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा, समय बताएगा, क्योंकि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। अगर हम बात करें पछाड़ विधानसभा क्षेत्र की तो इस बार यहाँ से 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, क्या होगा आने वाला समय ही बताएगा। चुनाव की हर एक अपडेट हर जिले से लाइव टाइम्स टीवी आपको दे रहा है, देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। अभी के लिए हमें दे अनुमति, हॉट सीट है इस वक्त पछाड़ विधानसभा, यहाँ की हर एक अपडेट हम आपको अवश्य देंगे। अमित को अभी के लिए दे अनुमति, इस वीडियो स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया वीडियो जर्नलिस्ट गोविंद ठाकुर, देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी।